सिद्धार्थ शुक्ला के बाद बिग बॉस की एक और कंटेस्टेंट की मौत हो गई है। बिग बॉस 14 का हिस्सा रही सोनाली फोगाट का अचानक निधन हो गया है। गोवा में हार्ट अटैक की वजह से 42 साल की सोनाली हमेशा के लिए मौत की नींद सो गई हैं। बिग बॉस के दौरान सोनाली काफी लाइमलाइट में रही थी। सोनाली सेलिब्रिटी होने के साथ साथ बीजेपी की नेता भी थी। सोनाली ने 2019 में हरियाणा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर आदमपुर से चुनाव लड़ा था। चुनाव के दौरान वो टिकटॉक पर अपने वीडियोस के लिए काफी चर्चित रही थी। बताया जा रहा है कि सोमवार की रात को सोनाली को दिल का दौरा पड़ा। मौत से कुछ समय पहले ही सोनाली ने अपना एक वीडियो भी पोस्ट किया था। साथ ही उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी बदली थी। बताया जा रहा है कि वो अपने कुछ स्टाफ मेंबर के साथ गोवा आई हुई थी। स्थानीय प्रशासन उनकी मौत की वजह की पुष्टि करने में जुटा हुआ है। सोनाली का जन्म 21 सितंबर 1979 को हरियाणा के फतेहाबाद में हुआ था। सोनाली का सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। सोनाली ने 2006 में अपने करियर की शुरुआत हिसार दूरदर्शन में एंकरिंग से की थी। इसके 2 साल बाद 2008 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और पार्टी के लिए काम करने लगी। सोनाली फोगाट 2016 में उस समय चर्चा में आई जब उनके पति संजय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद सोनाली टूट गई थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सोनाली फोगाट को आदमपुर से टिकट दे दिया। हालांकि वो चुनाव हार गई लेकिन उनकी किस्मत पलट गई। 2020 में सोनाली फोगाट का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था। इस वीडियो में सोनाली एक अधिकारी को चप्पल से पीटती हुई नजर आई थी। इसी साल सोनाली को बिग बॉस 14 के घर में जाने का मौका मिला। सोनाली टिकटॉक स्टार होने के साथ साथ एक एक्ट्रेस भी थी। उन्होंने कई म्यूजिक वीडियोस में काम भी किया था। सोनाली अपने पीछे एक बेटी को छोड़ गई हैं जिसका नाम यशोधरा है।